सो गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, कोई बड़ा सा कंपाउंड दे रखा है, जिंक अमैलियम के साथ रिएक्ट करा रखा है उसको, सॉरी जिंक मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करा रखा है, और क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl दे रखा है और ए और H2O के दो मॉलिक्यूल्स निकाल रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, मतलब अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ढंग से पढ़ी है और आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट याद है, तो ये रिएजेंट देख के आपको पता लग जाएगा कि ये रिएजेंट क्या है, ये रिएजेंट क्या है। दिस इज रिएजेंट फॉर क्लेमेंसेंस, क्लेमेंसेंस रिडक्शन। तो ये रिएजेंट किस लिए यूज है, अपना क्लेमेंसन रिडक्शन कराने के लिए। और रिडक्शन क्या कराता है, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है, यहां पर एल्डिहाइड तो नहीं है, कीटोन ही प्रेजेंट है, तो कीटोन्स का क्या कराएगा, कीटोन्स को रिमूव कर देगा और वहां पर क्या कर देगा, वहां पर हाइड्रोकार्बन जनरेट कर देगा, कि मतलब यहां पर सारे बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन हाइड्रोजन जनरेट हो जाएंगे, है ना, यही क्लेमेंसन रिडक्शन का काम है। तो देख के चारों ऑप्शन को देख के आपको कौन सा सही ऑप्शन दिख रहा है। पहले ऑप्शन में देखोगे तो पहले ऑप्शन में OH है, ये रिडक्शन पूरी नहीं है। दूसरे में क्या है, दूसरे में तो हाइड्रोकार्बन की चेन ही हटा दी, ये भी गलत है। तीसरे ऑप्शन में क्या है, तीसरे ऑप्शन में भी हाइड्रोकार्बन और OH की चेन हटा दी, ये भी गलत है। तो फाइनल ऑप्शन क्या है, फाइनल ऑप्शन में देखोगे तो फाइनल ऑप्शन में आप कंप्लीट रिडक्शन कर रखी है, कंप्लीट रिडक्शन कर रखी है, इसलिए सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, कंप्लीट रिडक्शन शो कर रखी है, ठीक है। अब आइए इसके बाद इसके मैकेनिज्म पे बात करें, ये क्लेमेंसन रिडक्शन होती कैसे है, हाउ डज दिस रिडक्शन टेक्स प्लेस, है ना, ये भी तो जानना जरूरी है, ये रिडक्शन, ये फोर्थ ऑप्शन बना कैसे सही, ठीक, हाउ डज दिस रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप ध्यान देखना कि रिडक्शन दो जगह पे हो रही है, इन दोनों कीटोन्स की रिडक्शन हो रही है, बाकी इस स्ट्रक्चर का तो कोई फायदा नहीं है, ये बस ये नीट वालों ने मेरी इंक खराब करने के लिए इनको डाल दिया है ना, इतना करके यहाँ CH3 यहाँ CH3 लगा देते, इनको क्या तकलीफ हो रही थी, पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर लेके डाल दिया जिसकी कोई फालतू भी जरूरत नहीं है। तो मैं खाली काम भी इतने स्ट्रक्चर पे करूँ क्योंकि मैं भी तेज हूँ, मुझे भी काम कम करना पसंद है। तो ये लो, ठीक। अब सबसे पहले मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले इसमें डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव वाली पोलैरिटी मार्क करेगा। इससे क्या होता है, आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल देखने में ना बहुत आसानी हो जाती है, रिएक्शन बनाना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज है, जिंक मर्क्यूरी दे रखा है ना, जिंक मर्क्यूरी दे रखा है, तो जिंक सबसे पहले क्या करता है बेटा, जिंक सबसे पहले Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन हो HCRT में, कोई भी अगर वहां मेटल दे रखा है तो पहला काम मेटल करेगा, शुरुआत किससे करनी है, मेटल से करनी है। तो मेटल अपने दो इलेक्ट्रॉन किसको देगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव कार्बन को देगा। इस डेल्टा पॉजिटिव कार्बन को जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन देगा, इस डेल्टा पॉजिटिव कार्बन को जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन देगा, वैसे ये जो वीक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये टूट जाएगा और ऑक्सीजन पे दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो, तो देखो क्या बना, ओ नेगेटिव, इस कार्बन पे भी क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, बहुत सही। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर भर भर पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, भर भर के क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl दो मॉलिक्यूल HCl के लिए यूज होंगे। अब HCl क्या है, एसिड है, एसिड किसमें टूटता है, H+ और Cl- में, तो H+ गया, एक H+ इसको दे दो, एक H+ इसको दे दो, तो एक H+ मैंने ऊपर वाले कंपाउंड को दिया तो क्या बन गया, OH, एक H+ नीचे वाले कंपाउंड को दिया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब नेक्स्ट में आप लोग गौर करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग गौर करोगे, यहां पर ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ऑक्सीजन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या पड़ा है हमारे पास, HCl पड़ा है, अगेन HCl पड़ा है, तो क्या करेगा, इस H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, H+ को इलेक्ट्रॉन देगा तो देखो क्या बनाता है, H+ को इलेक्ट्रॉन देगा तो देखो क्या बनाता है, OH पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चर बन गया, H+ को इलेक्ट्रॉन दिया तो उसने ये बनाया। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक लिविंग ग्रुप फॉर्म हो गया, अगर इसको चेक करोगे आप लोग तो ये क्या है, ये बेटा एक लिविंग ग्रुप है, Lg है, दिस इज अ लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप निकलता है तो यहां से क्या निकलेगा, माइनस में H2O, लिविंग ग्रुप निकला है यहां से क्या निकला, माइनस में H2O, यानी कि लिविंग ग्रुप निकला
ऑक्सीजन पे, इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ गए, इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गए, तो देखो बेटा क्या बना, देखो बेटा क्या बना, ठीक है। अब अगेन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अब इस कार्बन की मदद करने कौन आएंगे, फिर से जिंक भैया, जिंक भैया फिर से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, अगेन इसके पास, ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, अगेन इसके पास। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ये बन गया। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे फिर से इस नेगेटिव चार्ज की प्यास मिटाने कौन आएगा, HCl मॉलिक्यूल, इस नेगेटिव चार्ज की प्यास मिटाने कौन आएगा, HCl मॉलिक्यूल जो H+ और Cl नेगेटिव में टूटेगा। H+ अगेन किधर जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है, बहुत पड़े हैं, ठीक है, तो इस कार्बन के पास जाएगा। देखो मॉलिक्यूल क्या बनेगा, या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, तो क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गई, ठीक है, पूरा ये मॉलिक्यूल निकल गया। ये दोनों बॉन्ड किससे रिप्लेस हो गए, दो हाइड्रोजन से, ठीक है, आई आई बात क्लेमेंसन रिडक्शन की। और इसके बाद क्या बन गया, ये वाला कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये था आपको क्लेमेंसन रिडक्शन का क्वेश्चन।